आज लोकतंत्र का महापर्व 17 नवंबर का दिन है। जिस तरह से मतदाता अब 17 तारीख का इंतजार कर रहे थे, वो 17 तारीख आज आ चुकी है। और लोकतंत्र के महापर्व पर जिस तरह से नीमच विधानसभा और नीमच जिले के अंदर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसमें नए युवाओं के अंदर जो जोश देखा गया, महिलाओं के अंदर जो जोश देखा गया, बुजुर्गों के अंदर जोश देखा गया, उससे साफ लग रहा है कि एक परिवर्तन की लहर है। लोकतंत्र के महापर्व पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार परिवर्तन का ऐसा मामला चल रहा है। और साथ ही क्योंकि अगर हम बात करें मतदान केंद्रों की, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लगा ऐसा कि ईवीएम मशीन बंद हो गई हो, कहीं गड़बड़ी? हाँ, ऐसे कई मैं शहर के अंदर भी कई दो तीन मामले इस तरह के दिखे। वार्ड नंबर 13 में ही पोलिंग बूथ क्रमांक 55 के अंदर भी सुबह मशीन ख़राब हो गई थी और 8 बजे तक मतदान नहीं हो पाया। और उसके बाद जोनल अधिकारी को बुलाया गया। जोनल अधिकारी के आने के बाद में 7:47 पर उन्होंने मशीन को चेक किया और उसके बाद में मशीन के अंदर गड़बड़ थी और ना बताया गया कि वो ऑफ़ करके चलानी थी, नहीं कर पाए, इस कारण 1 घंटा लेट हुआ। कहीं ना कहीं तकनीकी कारण से मतदाताओं को सुरक्षा, मतलब एक तरह से उनको 1 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति शहर में देखने को मिली। क्या लगता है आपको पूरे नीमच जिले की बात करें तो कितने प्रतिशत इस बार मतदान है, क्योंकि इस बार मतदान की रुचि ज़्यादा है? मतदान 75% से अधिक होगा और उससे बड़ी बात यह कि युवाओं का और महिलाओं का इसमें योगदान ज़्यादा है। उनके अंदर एक ही बात है कि कहीं ना कहीं अपने मत का उपयोग करना है और इस सरकार में अपने आप को भागीदारी निभाना है।